जाएगी और जो भी उनका सपोर्ट हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ये वाला व्लॉग 4 तारीख का है। हम सब लोग मायके से, मैं, हस्बैंड, बच्चे, सब लोग गढ़गंगा जा रहे हैं। देखिए, ये हैं मेरे बड़े भैया, मेरी बड़ी बेटी, सब लोग बैठे हुए हैं। सीधे आगे तरफ हस्बैंड बैठे हैं, उल्टे आगे तरफ भैया बैठे हुए हैं। हम लोगों ने एक छोटी बस कर ली थी जिससे कि हम लोग सब आराम से चले जाएँ। 18-19 लोग थे, सारी फैमिली के ही लोग थे हम लोग, तो हम लोगों ने इसलिए बस कर ली थी कि बस में आराम से बैठकर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक साथ जाएंगे तो भजन वगैरह गाते हुए जाएंगे। ये लोग हम लोग जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, हम लोग सही 8 बजे निकल लिए थे क्योंकि 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो हमने काफ़ी गर्मी भी हो जाएगी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए सुबह सुबह चले गए थे हम लोग। 8 बजे चले गए थे और सही 10 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने बस में, खूब मजीरा वगैरह भी ले गए थे, खूब भजन वगैरह गाए थे हम लोगों ने, खूब अच्छा लगा। मैं आगे बैठी हूँ, बड़ी भाभी के साथ बैठी हूँ, पीछे दोनों छोटी भाभी बैठी हैं। ये देखिए, मैं आगे से हाय कर रही हूँ, मैंने पीछे मुड़कर देख रही थी कि बेटी वीडियो बना रही है कि नहीं बना रही है। बस इसी तरह से मौज मस्ती करते हुए हम लोग सही टाइम पर गढ़गंगा पहुँच गए थे। आज आपको भी हम लोग, मैं गढ़गंगा के दर्शन करा देती हूँ। काफ़ी भीड़ थी, ऐसा नहीं है कि कोरोना हुआ है तो भीड़ नहीं थी, काफ़ी भीड़ थी। देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं, मैं बच्चों के साथ खड़ी हुई हूँ, सारे बच्चे मेरे पीछे खड़े हैं, पूरी फैमिली है यहाँ पर हमारी। मम्मी बैठ गई हैं क्योंकि मम्मी से ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता, तो हम लोग सब खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि आगे जाना है और बोट में बैठकर या यहीं पर ही नहाना है। तो बड़े भैया कह रहे थे कि यहीं पर नहा लेते हैं, आगे जाकर क्या करना है, एक ही बात है वो तो, लेकिन बस सबको लग रहा था कि बोट में जाएंगे, आगे तक जाके वहाँ पर नहाएंगे। ये देखिए, मेरी मम्मी भी हाई कर रही हैं। सब लोग खड़े हैं, अब यही सोच रहे थे कि यहाँ नहाएंगे या आगे नहाएंगे, फिर फाइनली यही डिसाइड हुआ कि यहीं पर ही नहा लेते हैं। आगे भी वही बात है, यहाँ पर भी यही बात है, बस टाइम और ज़्यादा लग जाता, आगे बोट में जाते तो और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता। तो यहाँ पर अब बस तैयारी करेंगे, कपड़े वगैरह निकालेंगे सब लोग, यहीं पर नहाएंगे। दान दी गई नकद हम सब लोग नहा चुके हैं, सब लोग नहा लिए हैं बहुत अच्छी तरह से। एक दो 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 ढाई घंटा हो गया, किसी का भी पानी में से निकलने का मन नहीं कर रहा था। ये देखिए, मेरी और मम्मी की फ़ोटो, मम्मी फ़ोटो नहीं खिंचाती हैं, मैंने कहा आज तो मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचानी है। और ये देखिए, जब हम लोग बाहर आए तो देख कितना बढ़िया मंदिर है, शिव जी का मंदिर है ये। यहाँ पर हम लोग नहाने धोने के बाद खाना खाने आए हैं, बस सब कुछ हो गया था तो हमने कहा चलो खाना खा लेते हैं, भूख लगाई, सब लोग भूखे थे। तो नहाने के बाद यहाँ पर आज बहुत ही बढ़िया भोजनालय बना हुआ है, ये बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल ना तो यहाँ पर प्याज का यूज़ होता है ना लहसुन का यूज होता है, प्योर बिल्कुल सात्विक खाना मिलता है यहाँ पर। ये देखिए, मैंने अब साड़ी पहन ली है मैरून कलर की, जब आई थी तो रेड कलर का सूट पहन कर आई थी, अब साड़ी पहन ली है क्योंकि मम्मी को साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी कहती है साड़ी ही पहनना, तो मैंने साड़ी पहन ली है। बस अब अंदर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, सब लोग खाना खाएंगे यहाँ पर।
देखिए हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। खाने का ऑर्डर तो दे दिया था हम लोगों ने, लेकिन अभी आया नहीं था तो सबको भूख लग रही थी। ये देखिए भैया कचौड़ी खा रहा है तो खाना नहीं आया था। मैंने भी देखिए लंच बॉक्स खोला है, ये मेरे हस्बैंड के लिए लाए थे क्योंकि उनको ऑयल बिल्कुल मना कर रखा है, तो मैं इनके लिए सब्जी और फुलके घर से बना कर लाई थी क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ तो ऑयल वाला खाना मिलेगा, तो इसलिए मैं उनके लिए खाना बना लाई थी। बस खाना अभी तक आया नहीं था तो इसलिए सब लोग अपना जो नाश्ता पानी लाए थे मम्मी ने खुलवा दिया। मम्मी ने कहा सब लोग अभी यही कर लो, तो इसने खाना आ रहा है। ये देखिए बच्चे बातें कर रहे हैं, ये मेरी बेटी है और ये मेरे छोटे वाले भैया का बेटा है और ये हमारे दर्शित जी हैं। ये ट्रेन लेकर आए हैं, इनको तो कहीं भी जाऊँ वहीं सामान चाहिए। ये देखो ट्रैक देखो कहाँ पर बनाया है इसने अपना, इसका यही रहता है जहाँ भी जाएगा कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाएगा। सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, बस खाना आने वाला है। खाना खाकर बस चलेंगे हम लोग फिर वापस। खाना आ गया है, शुरू कर दिया है सब लोगों ने खाना। खाने में फुलके थे, दाल सब्जी रायता चावल, बस खाना हो गया। उसके बाद हम लोगों ने चाय ऑर्डर कर दी थी। चाय के बिना तो थकान ख़त्म ही नहीं होती क्योंकि दो दो घंटे तक सब लोग नहाए थे तो सबको बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। स्पेशल चाय है, स्पेशल चाय। तो मैंने कहा भैया सामने लिखा तो हुआ है स्पेशल चाय, लेकिन स्पेशल चाय ही लेकर आया है ना तो देखिए खाना सबका हो गया, तो अब चाय पीकर बस अब हम लोग चलेंगे। खाना वगैरह खाकर हम लोग बाहर आ गए हैं, भोजनालय से बाहर आ गए हैं क्योंकि यहाँ से बस तक का रास्ता 5 मिनट का है। जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पर एक मंदिर था, तो बड़े भैया कहने लगे कि यहाँ मंदिर है मम्मी को दर्शन करा देते हैं, तो मम्मी को दर्शन कराए और सब लोगों ने दर्शन करे यहाँ पर। बस अब लोग हम जा रहे हैं क्योंकि बस थोड़ा सा दूर खड़ी है, तो वहाँ से पैदल जाएंगे और मम्मी को रिक्शे में बिठा देंगे क्योंकि मम्मी चल नहीं सकती हैं ज़्यादा, तो मम्मी को रिक्शे में बिठा दिया था और हम लोग पैदल गए थे। सही 4 बज गए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं, मेरा मायका आ गया है, यहाँ पर सब लोग उतर जाएंगे। मम्मी बहुत जिद कर रही थी कि घर पर आ जाओ घर पर आ जाओ, मैंने कहा नहीं मम्मी 4:15 बज गए हैं, बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि एक बेटी को मैं घर पर छोड़ कर गई थी, दो बेटी को अपने साथ लेकर गई थी, तो
बेटी छोटी वाली बेटी बीच वाली बेटी दादी के पास रुक गई थी, तो मैंने कहा नहीं मम्मी मैं घर जाऊंगी। यहाँ पे भैया भाभी सब लोग बहुत जिद कर रहे थे कि चलो चलो घर पर, मैंने कहा नहीं, क्योंकि बिल्कुल मायके के गेट पर ही गाड़ी रुकी थी, तो लग रहा था कि चलो आ जाओ घर पर। बस अच्छी तरह से दर्शन कराए हम लोग गढ़ गंगा के, संडे को गए थे, संडे को ही वापस आ गए, तो बच्चे बहुत खुश हो गए, बच्चों ने बहुत एंजॉय करा। अब मैं अपने घर जा रही हूँ, यहाँ से मेरे घर का डिस्टेंस केवल 10 मिनट का है। 10 मिनट बाद ही मैं अपने घर पहुँच गई थी, बहुत थक गए थे घर जाकर। फिर थोड़ी देर सब लोगों ने आराम किया, चाय नाश्ता किया, बस खूब अच्छा अच्छा हो गया पूरा दिन का ट्रिप हमारा, बहुत बढ़िया रहा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।